नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वीप न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग से। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए धन की कमी नहीं, जितना भी धन लगेगा उससे मंदिर निर्माण किया जाएगा। देश की जनता जागरूक है और वो मंदिर निर्माण में सहयोग करने के लिए तैयार। भगवान का मंदिर भव्य तरीके से बनाया जाएगा, यह कहना है कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य के स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती का। वे बीती रात जबलपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की अगली बैठक 19 मार्च को होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि आगे निर्माण किस तरह करना है, क्योंकि निर्माण तब होगा जब जमीन समतल होगी, पहले पुराई की जाएगी। ट्रस्ट में चारों पीठों के शंकराचार्यों को स्थान न देने पर उनका कहना है कि ट्रस्ट सरकार ने बन और भी इस मामले पर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य ने आगे क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मंदिर की बात की जाए तो कब तक ये मंदिर तैयार हो पाएगा बनके भी? राम मंदिर का निर्णय आया, उसके लिए मैंने आप सबको शुभकामनाएं, खूब खूब सारी सबको शुभकामनाएं। हमारी न्यायालय ने जो निर्णय लाया है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, उसकी परिभाषा को पूरा किया गया है। आज राम मंदिर 2 से 3 साल के अंदर अंदर भव्य मंदिर के रूप में स्थापित होगा, और मेरा विचार तो यहाँ तक है कि राम मंदिर का राज तिलक जो होगा उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई होंगे। राम मंदिर हमारे देश की वो पहचान बनेगी जो एक इतिहास में बहुत बड़ा स्थान स्थापित करेगी। भारत की न्यायालय ने और भारत के राजनीतिक समीकरण में जो पहले भ्रांतियाँ थी वो आज समाप्त हो चुकी है। आज राम मंदिर की स्थापना हम सबको एक भव्य रूप से दिखाई दे रही है। राम मंदिर के अंदर जो अभी समिति बनाई गई है इसमें कई निर्णय आ ही चुके हैं, और मेरा एक छोटा सा निवेदन भी है कि राम मंदिर के समिति में अच्छे से अच्छे और भी विद्वान लोगों को, जिन जिन ने समिति में अपना पक्ष रखा है, जैसे रामभद्राचार्य जी, स्वामी जी चित्रकूट पीठाधीश्वर, और भी ऐसे कई संत अखाड़े परिषद के हैं, उनको भी शामिल करा जाए, उनसे भी उसका मार्गदर्शन लिया जाए। सीए की बात करें, काफ़ी समय चल रहा है सीए एनआरसी को लेके। देखिए, सीए में तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून लाया गया है वो कानून किसी को तोड़ने के लिए नहीं है, सबको जोड़ने के लिए है। उसके बाद इसके अंदर जो फैलाई गई है भ्रांति, जो फैलाई जा रही है दूसरे लोगों के कारण, उससे ये सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात, लोग क्रांति क्रांति आज जो चिल्ला रहे हैं, जब देश आज़ाद हो गया तो अब काहे की क्रांति? आज आप सीए के लिए विरोध होकर रोडों पर बैठे हैं, ये आपकी आज़ादी तो है ही, तभी तो आप रोड पर बैठे हैं। यदि आज़ादी नहीं होती तो क्या आप सीए जैसे बड़े कानून का विरोध कर पाते? काहे की क्रांति चाहते हैं आप? आप क्या बताना चाहते हैं हिंदुस्तान को? आज हिंदुस्तान आपको नहीं निकाल सकता, क्योंकि आप स्वयं हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। ये आपके अंदर का जो डर है इसको आप खत्म करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित होएं, यही सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होगी। हम समाज को चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ फैला रहे हैं उनको ये भ्रांतियाँ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब देश भ्रांति से नहीं है, ना क्रांति से है, देश प्रेम और शांति से है। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वीप न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए। We'll be right back.